हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी चैनल। डियर स्टूडेंट, हम 12th क्लास के अंदर लास्ट लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर रहे थे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पर। तो आज फिर हम उसी से कंटिन्यू करेंगे, कुछ और न्यूमेरिकल्स आज हम प्रैक्टिस करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है वो भी चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जितने भी मेरे प्रीवियस वीडियोस हैं 12th क्लास के वो ज़रूर देख लें। और जो भी मैं करवाता हूँ उसका PDF लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। चलो हम स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 5 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफेराड ईच आर कनेक्टेड विद ईच अदर एज शोन इन फिगर, कैलकुलेट द टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड सी। ये फिगर है, ए एंड सी के बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी सारे चेंजेस जो हैं हमें देखने को मिलते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। पहले हम इसका कैलकुलेट करते हैं, इस फिगर को हम इसको मॉडिफाई करके कैसे बना सकते हैं मैं वो बता देता हूँ। इसको मॉडिफाई करके हम जो है इस तरीके से फिगर बना सकते हैं। इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो टर्मिनल है, इन टर्मिनल के बीच का हमें कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, यानी ये हमारा ए है और ये सी है, ठीक है। और इसी तरीके से डी और बी, ये बी और डी पॉइंट, इनके बीच में ये कैपेसिटर जो है हमारा C3 हो जाएगा, ये C1, C3, C5, C4, C2। तो इस तरीके से अब हम जो है ये चीज़ नोटिस कर पा रहे हैं कि दो कैपेसिटर जो है इस तरीके से कनेक्टेड है, दो इस तरीके से, और इन्हीं के बीच में से एक कैपेसिटर ऐसे कनेक्टेड है। इस तरह की फिगर को हम जो है अगर ध्यान से देखें तो अगर ये P है, ये Q है, और ये R है, और ये S है, तो हम इसमें ये चीज़ नोटिस करेंगे कि अगर P/Q इक्वल टू R/S है, यानी P/Q इज इक्वल टू R/S अगर बनता है तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन कहलाती है, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन कहलाती है। अगर ऐसा है तो हमारा ये जो कैपेसिटर है ये कोई काम का नहीं होता, यानी बीच में कोई, ये जो कैपेसिटर कनेक्टेड है चाहे इसकी कितनी भी वैल्यू क्यों ना हो, इसके अक्रॉस से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, या ये कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल है बी पॉइंट पे, यानी VB इज इक्वल टू VD होगा। इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो इनके बीच में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो इस कैपेसिटर का यहाँ कोई यूज़ नहीं है। तो सिर्फ ये रह जाएंगे, ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर सीरीज, ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर सीरीज, और इनको सोल्व कर सकते हैं बाद में पैरेलल से। तो अभी यहाँ पे हर एक कैपेसिटर की वैल्यू 10 माइक्रोफेराड की है, तो ऑब्वियसली ये भी 10, ये भी 10, ये 10 और ये 10, तो 10 और 10 सीरीज में है, तो इनसे जो हम निकालेंगे 1/CX 1/10 प्लस 1/10, या 2/10 कह सकते हैं, या इक्वल टू 1/5, सो CX आ जाएगा इसी 5, और सिमिलरली हम ये कह सकते हैं CY, यानी इन दोनों से बनने वाला कैपेसिटेंस वो भी 5 माइक्रोफेराड का आ जाएगा, ओके। और अगर दोनों इधर भी 5 और इधर भी 5 दोनों पैरेलल हैं तो इनसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा, उसको हम C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू लिख सकते हैं CX प्लस CY, पैरेलल में हम डायरेक्ट ऐड करते हैं, तो 5 + 5 इक्वल टू 10 माइक्रोफेराड, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। इसको व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन कहते हैं। इसको ऐसे भी दिया जा सकता है, फिगर ऐसे भी दिया जा सकता है, ऐसे भी दिया जा सकता है, एक ही चीज़ है ये, ध्यान रहे ये चीज़ में। तो इसमें जो हमारा C3 है ये एलिमिनेट होगा, कंडीशन क्या रहेगी, ये जो कैपेसिटर है C1/C4 C2/C5, इनका रेशियो बराबर होगा, ठीक है। तो इनको हम कह सकते हैं C1 C4, ये सीरीज हो जाएंगे, ये C1 कह सकते हो आप इसको, इसको C4 कह सकते हो, और ये हमारा हो जाएगा C2 और C5, ये C2 और ये C5 ऐसे बना सकते हो, ठीक है। और वैसे भी आपको एक डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूँ, अगर ये 10 माइक्रोफेराड के ना हो करके बीच वाला चाहे कोई भी कैपेसिटर किसी भी वैल्यू का हो, लेकिन अगर ये सारे कैपेसिटर, ये सपोज करो 5 का, ये 5 का, ये 5 का, ये 5 का, 5 माइक्रोफेराड का होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफेराड आ जाता, 2 माइक्रोफेराड का होता है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आ जाती, 2 माइक्रोफेराड। ये डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, कभी कंपटीशन एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैलकुलेट करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप सॉल्व आउट कर सकते हो। अच्छा, इसी में चेंजेस करके कई बार क्या करता है, जो ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर ये नहीं देता, मतलब सीरीज में कुछ इस तरीके से दे देता है, ठीक है। और ऐसे कैपेसिटर्स को हम कैसे सोल्व करेंगे, ऐसे कैपेसिटर्स का जो कॉम्बिनेशन है इनको कैसे सोल्व करेंगे, ए और सी
पॉइंट के बीच में, अगर ये हमारा C1 है, ये C2 है और ये C3 है। अब देखो यहाँ बीच में मैंने कोई कैपेसिटर नहीं अटैच किया है, इसी तरीके से इसमें डायरेक्ट हमने कर दिया है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में यहाँ कोई कैपेसिटर ऐड नहीं किया। तो A और C के बीच में C1, C2, C3 ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, याद रखना ये कैसे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसका सी इक्वलेंट किस कैसे आएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए, देखने में इस जैसा ही लगता है, लेकिन यहाँ का जो कैपेसिटर और यहाँ का कैपेसिटर इसमें नहीं लगा होगा, तो इसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन मिलेंगे, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें गिवन है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द लैडर बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए और बी पॉइंट के बीच का जो हमें एक सर्किट डायग्राम दे रखा है, इनके बीच का हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। लेकिन कंडीशन क्या है कि देखिए, आप देखोगे इसमें कुछ सिमिलैरिटी सी है, यहाँ वन यहाँ टू आगे, तो इसी तरीके से कैपेसिटर चलते जाएंगे इनफाइनाइट लेंथ तक। तो अब हमें जो है यहाँ इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करें, अब इनफाइनाइट तक हम कैसे कैलकुलेट करके लेके आएंगे यहाँ तक, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें एक थोड़ा सा जो है एक ट्रिक होता है, वो ट्रिक क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए यहाँ से इधर से इस तरफ का, यहाँ से जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे डैश लाइन, इससे इस तरफ का अगर कैपेसिटेंस सी है, तो आप उसको सोल्व करके यहाँ तक आओगे, तब इसका भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी ही निकल के आएगा। जितनी वैल्यू, अगर 10 माइक्रोफेरड था, तो यहाँ सोल्व करके यहाँ तक पहुँचोगे तो फिर 10 आएगा, फिर यहाँ तक सोल्व करोगे तो उसका फिर 10 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ तक का जो कैपेसिटेंस है, इसको मैं सी कंसीडर कर लेता हूँ, तो ये सर्किट चेंज होकर कुछ ऐसे हो जाएगा। तो ये हमारा जो है सी कैपेसिटेंस, इसका हमने कंसीडर कर लिया, ये 2 माइक्रोफेराड और ये 1 माइक्रोफेराड हो गया, ये हमारा ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, ठीक है। अब इसमें आप आराम से सोल्व कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन में। अब आपको साफ साफ पता चल रहा है कि 2 माइक्रोफेराड और सी आपस में क्या है, सीरीज में है। तो सीरीज में है तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो सीरीज में तो आप इसको सिंपली कैसे जा सकते हो, लेट्स सपोज इसका इक्विवेलेंट 2 माइक्रोफेराड एंड सी आर इन सीरीज। सीरीज में तो सीरीज में 1/CX लिख देता हूँ इनका इक्विवेलेंट जो आएगा, 1/2 प्लस 1/C, और यू में राइट इट एज 2C प्लस 2 इनका LCM आ जाएगा, और CX आएगा 2C डिवाइड बाय C प्लस 2, ठीक है। ये हमारा CX आ गया, मतलब इन दोनों का, अब CX जो है वो 1 के पैरेलल होगा, तो हम ये लिख सकते हैं CX एंड 1 माइक्रोफेराड आर पैरेलल। अगर ये पैरेलल है तो इनका इक्विवेलेंट कैसे आएगा, इनका इक्विवेलेंट मैं लिख सकता हूँ CX प्लस 1। लेकिन याद रहे, जब यहाँ पहुँचेंगे तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसके बराबर आएगा, C के बराबर ही आएगा। जैसे मैंने यह कहा था, यहाँ तक C, फिर सोल्व करके आएंगे यहाँ तक C, और सोल्व करके यहाँ तक आएंगे तो C, और इसी तरीके से यहाँ पे भी C, सो इट इज़ आल्सो C, क्योंकि हमने C कंसीडर किया था, तो ये भी C आएगा। CX की वैल्यू पुट की, 2C डिवाइड बाय C प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू C, और इसका हमने LCM लिया, तो इसका LCM आ जाएगा C प्लस 2, 2C प्लस C प्लस 2 इज इक्वल्स टू C, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये आ जाएगा 2C प्लस C कितना हो जाएगा, 3C प्लस 2 इज इक्वल्स टू C स्क्वायर प्लस 2C, और इस टर्म को उठा के उस तरफ लेके जाओगे तो ये बन जाएगा C स्क्वायर माइनस C माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सी स्क्वायर माइनस सी माइनस 2 इक्वल टू 0, ये एक क्या है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व आपने करना जो है 10th क्लास के अंदर सीख लिया था। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो इसके दो रूट आएंगे, सी की यहाँ से दो वैल्यूज आएंगी, वो क्या क्या होगी, एक तो 2 और दूसरी आएगी माइनस 1। सो माइनस 1 तो पॉसिबल नहीं है, तो सी की जो वैल्यू होगी यहाँ से 2 माइक्रोफेराड आ जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ओके। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इस तरीके से आराम से सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इस क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है 4 कैपेसिटर C1, C2, C3, C4 आर कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट एज शोन इन फिगर। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स और पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। ए और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी कैलकुलेट करना है अपने को। 12 वोल्ट की बैटरी अटैच करके ये C1, ये C2, ये C3, C4। C1 की वैल्यू 8 माइक्रोफेराड है, C2 की वैल्यू 4 माइक्रोफेराड, C3 3 माइक्रोफेराड है और C4 6 माइक्रोफेराड है। तो हमारे लिए अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस इसके साथ कैलकुलेट करना, मतलब VA माइनस निकालना क्या है वो बता देता हूँ, VA माइनस VB या VB माइनस VA हमें कैलकुलेट करना है। प्रॉब्लम यहाँ पे आप सबको समझ आ गई होगी करना क्या है। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट कीजिए, ठीक है, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से हम चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे कि जो चार्ज इस बैटरी ने रिलीज किया है, ठीक है।
तो इसको कैसे करेंगे, या फिर आप ऐसे कर लीजिए कि देखिए जो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए इनका निकाल लीजिए, ठीक है। ये आपकी एक सीरीज ये होगी और एक सीरीज ये होगी, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि C1 एंड C2 आर इन सीरीज, सीरीज में है। तो आपको पता है इसका 1/CX लिखूंगा, 1/C1 8 प्लस 1/4, तो इनका LCM आ जाएगा 8, 1+2 दैट इज इक्वल्स टू 3/8, और सिंपली CX कैन बी रिटन एज 8/3, तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया 8/3 माइक्रोफेराड। इसी तरीके से हम नीचे वाले कैपेसिटर्स की बात कर लेते हैं, यानी C3 एंड C4 आर इन सीरीज। अगर ये सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1/CY ले लेता हूं मैं, और वो आ जाएगा हमारे पास 1/3 प्लस 1/6, और 6 इसका LCM आया, 2+1 दैट इज 3/6 अगेन, यानी 1/2, और CY कैन बी रिटन एज 2 माइक्रो फेराड। तो इसका भी हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता चल गया। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर हमें इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता चल गया तो इसमें से जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। इसी तरीके से इसका अगर मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता चल गया तो इसमें से चार्ज कितना जा रहा है वो पता चल जाएगा। और ये याद रहे कि जो 12 वोल्ट हमने अप्लाई कर रखी है वो इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में सेम रहती है, पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है सेम। तो मतलब इस सीरीज में भी वोल्टेज 12 वोल्ट है, इस सीरीज में भी वोल्टेज जो है 12 वोल्ट है, ठीक है। तो अभी मैं सबसे पहले इस पे अप्लाई करता हूँ, यहाँ का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, तो इसमें से जाने वाला चार्ज सपोज करो मैंने कह दिया Q1 है, और इसमें से जो चार्ज फ्लो करेगा वो हो गया Q2, ठीक है। सो मैं Q1 कैलकुलेट करता हूँ, Q1 कितना आएगा, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है यहाँ का, Q = CX × V। CX हमारा है 8/3 × 12, तो 32 यानी 32 माइक्रो कुलाम चार्ज जो है इसमें से फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब ये पॉइंट अगर आपको क्लियर हो गया, इसी तरीके से मैं अब Q2 की बात करता हूं, तो Q2 कितना होगा, दैट विल बी CY × V। CY हमारा कितना आया था, CY की वैल्यू आई थी 2 माइक्रो फेराड इंटू 12, सो ये आ जाएगा 24 माइक्रो कुलाम। ओके, तो 24 माइक्रो कुलाम इसमें से जा रहा है, 32 माइक्रो कुलाम इसमें से जा रहा है। तो अब ये चीज देखेंगे कि यहां से जो चार्ज पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, तो सबसे पहले वोल्टेज ड्रॉप यहां होगी, ठीक है। 12 वोल्ट में से यहां कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, बाकी बचेगी यहां पे। तो अब हम यहां कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस C1, तो उसको मैं V1 से रिप्रेजेंट कर देता हूं। V = क्या होएगा, उसको हम कैसे निकालेंगे, Q = CV फॉर्मूला है, तो V = क्या हो जाएगा, Q/C1। Q1 कितना आया था, Q1 आया था 32 / C1, C1 है हमारा 8, तो ये आ जाएगा 4 वोल्ट, यानी 4 वोल्ट माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो जाएगा 4 वोल्ट, तो 4 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हुआ, तो यहाँ कितना बच गया 12 - 4, सो यहाँ बच जाएगा हमारा 12 - 4 यानी 8 वोल्ट, यहाँ 8 वोल्ट बच गया, ठीक है। तो यानी VA = हो गया हमारा 12 - 4 = 8 वोल्ट। अभी हमारा VA आया, हमें निकालना है VBB, और उन दोनों का डिफरेंस हम ले लेंगे। इसी तरीके से नीचे भी हम बात करेंगे, यानी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस C3। अब ये C3 है, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितनी हो रही होगी, तो इसको V3 से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये होगा Q2/C3। Q2 हमारा कितना आया था, Q2 की वैल्यू आई थी 24 माइक्रो कुलाम, और C3 की वैल्यू कितनी है 3 माइक्रो कुलाम, तो 3/8 यानी 8 वोल्ट आ गया। तो यहाँ कितना ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पे 8 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, बाकी कितना बच गया, बाकी बच गया 12 - 8 यानी 4 वोल्ट बच गया, यहाँ पे इस टर्मिनल पे 4 वोल्ट होगा, 8 वोल्ट तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस ड्रॉप हो गया, तो बाकी 4 वोल्ट बच गया। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं, इस तरीके से यानी मैं ये लिख सकता हूं VB = आ जाएगा 12 - 8 = 4 वोल्ट, तो VB की वैल्यू भी हमें पता चल गई। सो इन दिस वे अगर हम इस सर्किट के अंदर VB हमें पता चल गया और VA हमें पता चल गया, तो हम क्या निकाल सकते हैं, VB - VA या VA - VB। तो यहां मैं लिख देता हूं, या यहां लिख लीजिए
VA माइनस VB इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 वोल्ट आ जाएगा, यानी 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 वोल्ट ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे सोल्व करने होते, थोड़ा ट्रिकी सा है। माइंड यहां यूज क्या करना है कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है वो भी 12 वोल्ट, इस सीरीज में भी 12 वोल्ट, लेकिन इंडिविजुअल कैपेसिटर के अक्रॉस 12 वोल्ट नहीं है, इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो होगा उनके अक्रॉस 12 वोल्ट ड्रॉप होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहां पे बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया ए, ए कॉपर प्लेट सिट्स ऑन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ के इज इक्वल टू 2 एज शोन इन फिगर, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस अरेंजमेंट। ये एक कैपेसिटर की प्लेट्स है, एक ये और एक ये, इनके बीचों बीच एक हमने कॉपर की प्लेट डाल दी। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस डी था, डी को तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया, डी बाई थ्री। ये सी वन, ये सी टू, ये सी थ्री। अब यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। क्वेश्चन समझ आ गया होगा, इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं। भाई इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे माइंड यूज करना पड़ेगा कि ऐसे कैपेसिटर्स को सीरीज बोलेंगे या पैरेलल बोलेंगे, ये हमें समझना जरूरी हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं अभी आपको ये सारी ट्रिक्स थोड़ी सी बता दूंगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत बार जो है पीएमटी और जो कंपटीशन के एग्जाम्स होते हैं उसमें आते रहते हैं। तो ये याद रखना, जब भी डिस्टेंस जो है डिवाइड होगा, जब भी डी डिवाइड होगा किसी भी प्रोपोर्शन में, ठीक है, तो वो कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन का है। और जब एरिया डिवाइड होगा, जब एरिया डिवाइड हो रहा होगा तो वो कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, अभी हमने इसका, अगर इस प्लेट का एरिया ए है तो इसका भी ए है, इसका भी ए है, इसका भी ए है, यानी एरिया में कोई चेंज नहीं आया। अगर हमने ये टोटल डिस्टेंस डी लिया था इस कॉपर को डालने पे, एरिया में कोई चेंज नहीं आ रहा, प्लेट का एरिया वही रहा, लेकिन जो गैप था उनके बीच का वो गैप जो है डिवाइड हो रहा है। सो दैट मीन्स जब भी डी डिवाइड होगा तो वो कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसमें हम सी वन, सी टू और सी थ्री की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए, सी क्या होता है, सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी होता है। अगर ये एप्सिलॉन नॉट ना लगाऊं तो यहाँ पे के टाइम्स अपने को करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये चीज़ मैंने पहले लेक्चर में बता रखा है कि एप्सिलॉन अगर आता है तो के टाइम्स दी एप्सिलॉन नॉट होता है वो। ठीक है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू के टाइम्स दी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ए यहाँ पे एरिया को रिप्रेजेंट करता है, डी गैप को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सी वन, सी वन हमारा हो जाएगा, देखिए सी वन के टाइम्स दे रखा है यहाँ पे, तो के की वैल्यू अपने को पता है वो कितनी है, इस फॉर्मूले में के की वैल्यू 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, और एरिया एज इट इज रहा, और जो गैप है वो कितना है, डी बाय थ्री, और ये 3 ऊपर चला जाएगा इस तरीके से, ये हो जाएगा 6 एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी, ये हमारा सी वन आ गया। बात करते हैं सी टू की, सी टू इज इक्वल टू अगेन हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी बाय 3। लेकिन आपको बता दूं सी टू जो है वहां कैपेसिटर है, कॉपर है, कॉपर क्या, एक मेटल, और मेटल का जो के की वैल्यू होती है वो हमेशा इनफाइनाइट होती है। तो एक बार मैं यहाँ पे के लेके चलता हूँ, बाद में उसको हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसको मैंने इस तरीके से लिखा, डी थ्री के एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी। ठीक है, यहाँ पे 4 सी यू के इक्वल टू इन्फिनिटी, ये याद रखना। नेक्स्ट सी थ्री में अब आपको पता है यहाँ पे सिर्फ कोई k की वैल्यू नहीं गिवन है, तो k की वैल्यू होती है 1, सो एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड बाय d बाय 3। ठीक है, तो ये लिखेंगे 3 एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड बाय d, ये तीनों हमें पता चल गया। अब हमें क्या करना है, ये कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन, और सीरीज कॉम्बिनेशन में हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय सी वन प्लस 1 बाय सी टू प्लस 1 बाय सी थ्री। वैल्यू रख दीजिए इसमें 1 बाय सी इक्विवेलेंट 1 बाय सी वन, सी वन की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी, तो डी ऊपर चला जाएगा, यानी पलट के लिख सकते हैं 1 बाय है, तो 6 एप्सिलॉन नॉट ए, और सी टू की वैल्यू भी हम पलट के लिखेंगे डी डिवाइड बाय 3 के एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है,
प्लस यहाँ पे भी ये थर्ड सी थ्री भी आएगा, ऐसे ही पलट के लिखेंगे क्योंकि वन बाय करेंगे तो डी बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा। अब यहाँ के की वैल्यू मैं इनफाइनाइट रख देता हूँ तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी इनफाइनाइट एंड समथिंग अपॉन इनफाइनाइट, ये टर्म क्या हो जाएगी हमारी जीरो। ठीक है, सो वन बाय सी इक्वलेंट इज इक्वल टू आ जाएगा, देखो इसमें से क्या चीज कॉमन आ रहा है, डी बाई एप्सिलॉन नॉट ए, और अंदर रह गया 1/6 प्लस 1/3। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं डी बाई एप्सिलॉन नॉट ए, और इसका एलसीएम आपको पता है 6 आएगा, 1 + 2 और इज इक्वल्स टू ये 3/6 बन गया या 1/2। ठीक है, तो डी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए, और सी इक्वलेंट आप क्या लिखोगे, सी इक्वलेंट आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं। अब ये इसमें कितने भी दे रखे हों अलग अलग के के टू, अगर यहाँ कॉपर नहीं होता कोई और मटेरियल दे रखा उसकी के की वैल्यू गिवन होती तो आपको सिंपली के की वैल्यू रखनी थी, मेथड यही रहता। जब डी डिवाइड होता सीरीज में, एरिया डिवाइड होता है तो पैरेलल में, ये मेथड यूज करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ फोर प्लेट ऑफ एरिया ए एट ए डिस्टेंस डी इन एयर। ये पीएमटी में आया हुआ क्वेश्चन है, अभी मैं दो क्वेश्चन आप लोगों को जो करवाने जा रहा हूँ ये दोनों पीएमटी में पूछे गए हैं। ऐसा आप लोगों को गिवन होता है फिगर या डायरेक्ट बोल देता है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पी एंड क्यू, तो आपको यहाँ कुछ नहीं दे रखा, ये मेटल प्लेट्स हैं, अगर यहाँ से प्लस चार्ज आएगा तो इस पे प्लस होगा, इस पे प्लस और इस पे आएगा नेगेटिव। ओके, इस पे प्लस तो इस पे नेगेटिव आएगा, ये चीज़ याद रखना, सॉरी प्लस, इस पे भी प्लस। ठीक है, ये इससे प्लस हम अगर देंगे तो सेम चार्ज जो है इस पे और सेम चार्ज इस पे, तो एक टर्मिनल पे पॉजिटिव होगा तो दूसरे पे क्या होगा नेगेटिव, तो इस पे आएगा नेगेटिव, इस पे भी नेगेटिव क्योंकि ये इसी से कनेक्टेड है। अब आप याद कीजिए, जब हमने कैपेसिटर के बारे में स्टडी किया था तो कैपेसिटर में जो प्लेट्स होती है एक प्लेट को पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो दूसरी प्लेट क्या होती है नेगेटिव चार्ज, तो इसका मतलब ये बीच वाली जो शीट है यानी ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, ये हमारा कोई कैपेसिटर फॉर्म नहीं कर रहा है, कैपेसिटर बन रहा है ये और कैपेसिटर बन रहा है ये। ठीक है, ये दोनों जो है हमारे कैपेसिटर बन रहे हैं तो इनका ही इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये भी डी है और ये भी हमारा डी है, एरिया ए आप कंसीडर करके चलो इसमें। तो अब इस क्वेश्चन का जो है हमें आंसर फाइंड आउट करना है, तो बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन भी। इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे, ये हमेशा याद रखना कि ये कॉम्बिनेशन जो होते हैं पैरेलल के होते हैं, चाहे ये नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा वो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, और पैरेलल में हम कैसे निकालेंगे, सपोज करो इसका सी वन हो जाएगा तो सी वन को क्या लिखूंगा मैं, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी। ठीक है, ये गैप डी है। इसी तरीके से सेकंड पे जाएंगे सी टू हमारा कितना हो जाएगा, वो भी एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी। तो ऐसे में ये कॉम्बिनेशन हमारे क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो मैं इसको लिख लेता हूं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, सी इक्विवेलेंट कैन बी रिटन एज सी वन प्लस सी टू, पैरेलल में हम डायरेक्ट ऐड करते हैं तो एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी प्लस एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, सो सी इक्विवेलेंट कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी, सो सी इक्विवेलेंट ये आ जाएगा इस केस में। लेकिन ध्यान रहे कई बार यहां कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या करता है, यहां से यहां तक का गैप जो है डी दे देता है और ये इक्वल इक्वल पोर्शन कर देता है, तो इसको कर देंगे हम डी बाय थ्री डी बाय थ्री डी बाय थ्री, ये डी बाय थ्री हमारा कैपेसिटर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है बीच में जीरो, तो कैपेसिटर ये और ये होंगे तो डी बाय थ्री, तो ये डी बाय थ्री करेंगे थ्री ऊपर चला जाएगा, इसमें भी थ्री ऊपर आ जाएगा, उस केस में फिर आंसर हमारा 6 एप्सिलॉन नॉट 8 बाय डी आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए, ये भी पीएमटी में आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें भी फोर प्लेट्स गिवन है, एरिया ए डिस्टेंस जो है एयर के अंदर हमें डी गिवन है। अब उस फिगर में और इस फिगर में डिफरेंस क्या है, देखो इसमें प्लेट जो है इस तरीके से थी, अब इसमें ये जो प्लेट है एक दूसरे के बीच में इस तरीके से डाल रखी है, तो अब आप जरा नोटिस कीजिए कि यहां से मैं पॉजिटिव चार्ज दूंगा तो पॉजिटिव चार्ज इस पे भी आएगा और इस पे भी आएगा, और इस पे नेगेटिव चार्ज देंगे तो इस पे नेगेटिव और इस पे नेगेटिव, तो कहने का मतलब हमारे एक दो तीन तीनों ही कैपेसिटर बन रहे हैं, इसकी कैपेसिटी सी वन, इसकी सी टू और इसकी सी थ्री, तो ये भी हमारे कॉम्बिनेशन कैसे हैं जैसे हमने पहले किया था, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन ही है। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, अगेन इसमें सी वन हमारा आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी, सी टू आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी एंड सी थ्री जो है हमारा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी आ जाएगा। तो इसका सी इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस
ये कैसा कॉम्बिनेशन मैंने आप लोगों को बताया, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए C1 प्लस C2 प्लस C3 ये याद भी रखना है। तो इस तरीके से हम इनको यूज़ करेंगे, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी प्लस एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी प्लस एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी। सो सी इक्विवेलेंट कैन बी रिटन एज 3 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी, ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। अगेन ये कंप्लीट, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमें डी गिवन होता, तो डी बाई थ्री तो सब में डी बाई थ्री आता, थ्री ऊपर चला जाता, थ्री इसके साथ आता, ठीक है। तो उस केस में जो है आपका ये आंसर कितना आ जाता, 9 टाइम्स हो जाता फिर ये। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हो। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन फिगर बिटवीन ए एंड बी पॉइंट। ये ए और बी पॉइंट है, यहां पे इक्विवेलेंट हमें कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, लेकिन हर एक कैपेसिटर की जो वैल्यू है 1 माइक्रोफेराड है, ठीक है। सेम वैल्यू गिवन है हमें 1 माइक्रोफेराड, और ये किस तरीके से है? इस सीरीज में एक कैपेसिटर है, इस सीरीज में 2, इसमें 4, नेक्स्ट में 8, नेक्स्ट में 16, उसके बाद 32, ठीक है। तो इस तरीके से चल रहे हैं, यानी 1, फिर यहाँ 2, यहाँ 4, और यहाँ कितने कैपेसिटर कनेक्टेड होंगे, 8, और यहाँ 16, ठीक है। तो इस तरीके से ये इस प्रोग्रेशन में चल रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम जो है ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, ये इनफाइनाइट तक जारी होगी सीरीज। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले इस सीरीज की बात करते हैं। इस सीरीज में हमारे पास C1 कैपेसिटर है, C1 की वैल्यू हम मान लेते हैं कि हमारे पास 1 माइक्रोफेराड है, जो गिवन भी है। अब इसमें सीरीज में है, तो इसको कैसे सोल्व करें, C2 को हम लिखेंगे, C2 1/C2 लिख लीजिए, इसकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी उसको मैंने C2, और इसकी कैपेसिटेंस को मैंने C3, यहाँ नेक्स्ट जो आएगा उसका C4, इसका मैंने C1 कहा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। तो 1/C2 कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस 1/1, सो दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और C2 कितना हो जाएगा, 1/2। सिमिलरली C3 हम निकालेंगे, ये C2 हो गया, ये C1 हो गया, और C3 1/C3 कितना आ जाएगा, यानी 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, क्योंकि 4 कैपेसिटर होंगे, तो 4 कैपेसिटर होंगे, 1 प्लस 2 3 4, तो ये 4 हो जाएगा। और इसी तरीके से हम C3 की वैल्यू जो निकालेंगे वो आ जाएगी 1/4 माइक्रो फेराड, ठीक है। तो अब देखिए C3 की वैल्यू भी अपने को पता चल गई, और C4 की वैल्यू कितनी आएगी, सिमिलरली C4 जो है हमारा 1/8 आ जाएगा, ठीक है, माइक्रोफेराड, एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता चला जाएगा। अब बाकी ये C1 C2 C3 C4 आपस में क्या है, फिर पैरेलल, और पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, जितना भी जा रहा है। अब ऐसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले वैल्यू रखिए, फिर हम यहाँ मैथ की एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन यूज करेंगे, ये 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, ये हमारी एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन हो रही है इनफाइनाइट लेंथ की, ठीक है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन अगर है, दिस इज ए ज्योमेट्रिकल, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का जो हम सॉल्यूशन निकालते होते हैं वो कैसे निकालते होते हैं, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन विद फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट टर्म है हमारी वो क्या है, a इज इक्वल्स टू 1, a जो है फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है, और कॉमन रेशियो जो है कॉमन रेशियो यहां पे 1/2 है, r से रिप्रेजेंट कर देते हैं कॉमन रेशियो को। तो जब भी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कोई ऐसा हो जिसमें कॉमन रेशियो, देखो यहां और यहां इसके बीच में कॉमन रेशियो कितना है 1/2, इसका और इसका कॉमन रेशियो, इनका रेशियो बनाओगे तो 1/2, इनका भी 1/2, नेक्स्ट टर्म के साथ इसके जो करोगे 1/2, तो इसको हम कॉमन रेशियो बोलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होता है हम यही लिख सकते हैं, हेंस सी इज इक्वल्स टू डायरेक्ट लिख सकते हो फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो, ये फॉर्मूला होता है। तो फर्स्ट टर्म हमारी 1 है, 1/r यानी कॉमन रेशियो 1/2, सो इस तरीके से 1/1/2, 1 माइनस 1/2 क्या होगा 1/2, और c कैन बी रिटन एज 2 माइक्रो फेराड, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं इन पे, और
हर एक कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत श्योरिटी के साथ हम कह सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन जनरली उठता ही है। CBSE हो, ICSE बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। BSC एग्रीकल्चर हो, NEET हो, JEE हो, सब में यहाँ से क्वेश्चन जो है उठाते हैं। तो ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। तो और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके जितने भी डाउट्स हैं वो मुझे कमेंट भी कर सकते हो और या फिर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। आपके कमेंट्स जो है मेरे लिए प्रीशियस हैं। थैंक यू एंड हैव नाइस डे।